तो अगर आपके पास भी इस तरह का कूलर का ख़राब पंप पड़ा हुआ है आप इसको मत आप इसको बिल्कुल फ्री में घर पर रिपेयर कर सकते हैं तो कैसे करना है क्या करना है सब मैं आपको बता दूंगा बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को लाइक जरूर से करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं इस पंप में आने वाले प्रॉब्लम के बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है सबसे पहला और सबसे ज्यादा आने वाला प्रॉब्लम कि आपका जो पंप है से वाइब्रेट कराए लेकिन पानी को उठा नहीं पा रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है फेंड आपके पंप में कुछ कचरा फंस जाता है या कुछ गंदा फंस जाता है जिसके वजह से आपका ये पानी नहीं उठा पाता तो इस कंडीशन में को रिपेयर करना बहुत आसान होता है इसके बाद सेकेंड क्या होता है कि आपका वायर चूहा काट देता है या कट जाता है जिसके वजह से आपका जो मेन 220 वोल्ट एसी होता है इसके इन नहीं हो पाता है और ये चल नहीं पाता है फ्रेंड ये दो वोल्ट ए सी चलता है बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं ये बैटरी से नहीं चलता डायरेक्ट चलता है इसके बाद फैन थर्ड कंडीशन क्या होता है कि आपका ये मोटर जल जाता है इसका जो मोटर होता है वाइंडिंग होता है वो जल जाता है तो उस कंडीशन में आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जिसका वाइंडिंग होता है हाथ से इसको रिवाइंड करना पॉसिबल नहीं है तो आपका जल गया है तो आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते लेकिन बहुत कम ही कंडीशन में आपका जो इसका वाइंडिंग होता है जलता है आपका जाम हो गया आप इसको तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो देखिए कभी भी आपका पंप जाम होता है तो आपको उसको निकालना है कुरल से उसके बाद यहाँ आपको खोलना है यहाँ एक लॉक लगा होता है देखिए ये आपका लॉक होता है तो आप इसको अंडर की मैं प्रेस करते हैं तो बहुत आसानी से खुल जाता है देखिए आपको साइज़ से उठाना है इसके बाद इसको ऊपर करना है ये देखिए यहाँ आपका लॉक होता है मैं आपको दिखाता हूँ ये अंडर लॉक होता है तो आपको इसको उठा के आगे मैं अथी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ आप मुझे ध्यान दीजिएगा इसका उठाना है उसके लिए निकल बहुत आसानी से निकल जाता है तो फिर देखिए इसमें कितना कचरा फंसा हुआ है इसलिए काम निकलता है क्योंकि फिर पानी में रहते रहते बहुत ज़्यादा इसमें काई जा बैठ जाता है जिसकी वजह से काम निकलता है इसके बाद आपको ये ढक्कन खोल लेना है ये भी बहुत आसानी से खुल जाता है इसके बाद फिर देखिए जो आपका ये होता है जो पानी उठाता है इसी को आपको साफ़ करना होता है तो फिर निकालने के लिए आपको यहाँ से इसक्रूजा घुसा के इसको ऊपर माए उठाना है देखिए इसके बाद आपको निकालना है इसका आपको इसका साफ निकाल देना है okay. देखिए कुछ इतना से तो फिर देखिए इसमें कितना कचरा फंसा हुआ था इसलिए फिर जाम होता है देख आप देख भी सकते हैं कितना गंदगी इसमें भरा हुआ है तो आपको इसी को साफ़ करना होता है तो देखिए जैसे कि ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा मैं आपको दिखाई कोशिश करता हूँ एक मिनट तो फिर ये जो आपको कचरा दिखाया इसी की वजह से जाम होता है तो आपको इसी को साफ करना है साफ करने के लिए आप एक ब्लेस की मत से साफ कर सकते हैं जैसे मैं इसको साफ़ करता हूँ एक फ्रेंड्स अस्थि से ज़्यादा आपको जितना भी इसका पानी का अथी होता है पानी का जम जाता है आपको उसको साफ़ करना है उसके बाद आपका जो पंप है वो ठीक हुआता है और फिर मैं आपको कहूँगा कि आप कभी भी किसी कूलर का सर्विस करते हैं तो पम्प खी जाम है या नहीं फिर भी आप इसका सर्विस कर रहे और आप सर्विस नहीं करते और आगे चल के बहुत ज़्यादा जाम होता है आपको रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है तो कभी भी आप कूलर को खोलते हैं सर्विस के लिए तो आप इसका पम्प को जरूर साफ़ कर दें और अगर आपको कूलर सर्विस कर नहीं आता है मैंने उस पर अलग से वीडियो बना के आप जाके देख सकते हैं तो मैं इसका जितना भी कचा है सबको यहाँ साफ़ करता हूँ

सत्या जो हल्का इसका जो एथी है पंखी उठा देती है तो मैं इसको उठा देता हूँ चलिए पेन अब मैंने इसका लगा दिया अब इसमें लाइन देके चेक करते हैं एक मिनट तो फिर मैंने इसका लाइन दे दिया चल रहा है आपको दिखाता यू तो फिर देखिए चल रहा है तो फिर देखा कि कैसे मैंने इस जाम कूलर के पंप को बिना किसी पैसे खर्च किए रिपेयर कर लिया तो आप भी इस तरह बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और फिर अगर आपका यहाँ से वायर कर गया तो आप इस ढक्कन को खोल के अंडल से वायर को जोड़ सकते हैं यहाँ से काट करके तो फिर देखा कैसे आप खराब पम्प को रिपेयर कर सकते हैं यहाँ देखिए कितना मिट्टी मिट्टी हो गया तो और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा और कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो फ्रेंड चलिए मिलते किसी और वीडियो में टेक केयर बाय बाय जय हिंद